हेलो एंड वेलकम टू माय शो बॉबी द मैटनी आइडल। तो डायरेक्टर वेंकट प्रभु की फिल्म गोट थलपति गोट यानी के ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम स्टारिंग द सुपरस्टार थलपति विजय मालविका शर्मा प्रभु देवा मीनाक्षी चौधरी एंड लॉट ऑफ एंड मेनी अदर एक्टर्स। सबका नाम तो मुझे पता नहीं। तो ये फिल्म मैंने फाइनली हिंदी वर्जन इंडियाज आइकॉनिक सिनेमा हॉल गेटी गैलेक्सी इसमें देख ली। फिल्म की कहानी तो उतनी कुछ नई नहीं है। किस तरह से थलपति विजय प्रभु देवा एंड अदर टू गाइस लोग सब लोग एक सेट्स के लिए काम करते हैं। स्पेशल टेररिज्म का कुछ स्क्वाड रहता है उसके लिए काम करते रहते हैं, लेकिन उनका काम सब अच्छी तरह चलते रहता है। किस तरह से वो जब अपनी थलपति विजय अपनी बीवी के साथ थाईलैंड जाते हैं अपने बेटे के साथ, वहाँ कुछ हादसा हो जाता है, फिर उनकी लाइफ किस तरह चेंज हो जाती है और इंटरवल पॉइंट पर क्या ट्विस्ट आता है तो पता चले डबल रोल थलपति विजय इज डूइंग अ डबल रोल इन द फिल्म। तो फिर क्या ट्विस्ट आता है उस पर कहानी फिर किस तरह से फिल्म प्रोग्रेस होती है। तो कहानी उतनी इंटरेस्ट नहीं है और उतनी जबरदस्त कहानी नहीं है कुछ। इसमें तो बहुत सारी फिल्में बन चुकी है, हालांकि इस पर एक बहुत अच्छी हिंदी फिल्म बन चुकी है, लेकिन मुझे नाम याद नहीं आ रहा क्योंकि मैं इतना फ़ोन यूज़ करता हूँ ना, तो फ़ोन पे बात बात कर करके दिमाग खत्म हो गया है, मेमोरी लॉस होता है। तो मोबाइल से मेमोरी लॉस होती है तो मुझे वो फिल्म का नाम याद नहीं आ रहा है, हालांकि इस पर फिल्म डेफिनेटली बन चुकी है हिंदी फिल्म। तो स्टोरी कुछ नहीं है, स्क्रीन प्ले बहुत काफ़ी वीक है। फर्स्ट हाफ तो बहुत कमजोर है फर्स्ट हाफ पिक्चर का, मतलब आप लोग लगे यार ये सुपरस्टार विजय का जो ऑरा है जो उनका करिश्मा है वो जो ऑडियंस देखना चाहती है वो नहीं दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर। तो वहाँ ऑडियंस फर्स्ट हाफ में पूरा निराश ही हो जाती है। एक्चुअली मुझे भी लगा यार वो बात नहीं बन रही जो उनकी फिल्म मास्टर लियो में जो बात बनी थी वो स्क्रीन पर नजर नहीं आ रहा है, सो आई वॉज डिसअपॉइंटेड। लेकिन जब इंटरवल पॉइंट पर एंट्री होती है उनके बेटे की थलपति विजय की डबल रोल, तो वहाँ से थोड़ा पिक्चर घूम जाता है और सेकेंड हाफ काफ़ी अच्छा है। सेकेंड हाफ काफ़ी अच्छा है, फर्स्ट हाफ तो बोरिंग है लेकिन सेकेंड हाफ अच्छा है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो सस्पेंस पॉइंट रखा है ना वो पूरी थिएटर में हर एक बंदे को पता चलेगा व्हाट इज अ सस्पेंस। मुझे भी पता है, सबको पता चलेगा यार सस्पेंस तो यही रहेगा। तो उस सस्पेंस वो फ्लैट हो गया वहाँ पे। तो देखो स्क्रीन पे वाला जो राइटर है उन्होंने ठीक से लिखा नहीं है सब। हर एक ऑडियंस में बेटा हर एक बंदे को पता चल जाएगा कि ये सस्पेंस यही है। लेकिन तो फर्स्ट हाफ इज नॉट सो गुड, सेकेंड हाफ अच्छा है, काफ़ी जगह पे ट्विस्ट एंड टर्न्स है और कुछ मज़ेदार इंटरेस्टिंग एक्शन सीन्स है। फर्स्ट हाफ में एक्स्ट्रा एक्शन सीन्स है लेकिन सेकेंड हाफ में काफ़ी अच्छे एक्शन सीन्स है और कुछ सीन बहुत अच्छे हैं जो आपको इंटरेस्ट बनाए रखता है। पर ओवरऑल इफ यू सी द मूवी इज जस्ट अबाउट एवरेज, एवरेज चौके फिल्म है। थोड़ा जो थलपति विजय से इतने एक्सपेक्टेशन थे वो उतनी ग्रेट फिल्म नहीं है, इट्स जस्ट अबाउट एवरेज चौके फिल्म। वेंकट प्रभु का जो डायरेक्शन है वो भी उतना पावरफुल नहीं है, सो ओवरऑल इज एवरेज टू ओके जैसे मैंने कहा। और परफॉर्मेंस की बात करें तो सुपरस्टार थलपति विजय इज माइंड ब्लोइंग। फर्स्ट हाफ में जो ओके था, लेकिन सेकेंड हाफ में जो उन्होंने एंट्री मारी और जो डायलॉग बाजी है और एक दो जब एक दो डायलॉग मारा है और एक्शन सीन किए और उनका जो स्टाइल है ना बोथ द फादर एंड सन दैट इज फंटेस्टिक, इज डन अ ग्रेट जॉब। मतलब कितनी पिक्चर गिर जाती है लेकिन उनका परफॉर्मेंस की वजह से वो फिल्म आपको अच्छी लगने आती है। ओके चलो देख ले, आप देख लोगे पिक्चर के चले यार पूरा गिरी हुई फिल्म को इन विजय इनके परफॉर्मेंस ने संभाल लिया। मगर कोई दूसरा एक्टर होता पिक्चर पूरी डब से नीचे चली जाती है। इस परफॉर्मेंस टू गुड यार, टू गुड। पिछले यंगर विजय बताता है उनका जो काम है वो बहुत बढ़िया है, उनकी स्टाइल भी बहुत सॉलिड मारी है और जो बाप का रोल जिन्होंने किया उनका भी सॉलिड काम है। तो जब बेटा बोलता है कि तो अब फैजल गैंग को आप जानते नहीं, अगर तू तेरे बाप को नहीं जानता वो दैट सीन इज वेरी नाइस। अगर मैं तेरे बगैर ये शहर तो क्या इस जगह से नहीं लूंगा, अरे सुपर ऑडियंस सीटें तले हो जाए और एक दो सीन ऐसे बहुत अच्छे उनके। तो बोथ द फादर एंड सन का जो परफॉर्मेंस है थलपति विजय ने एकदम बड़े इज टू गुड। पूरी फिल्म एक तरफ उनका परफॉर्मेंस एक तरफ, तो ही इज डन अ फैंटास्टिक जॉब। उसके पिक्चर की जो हीरोइन है मालविका शर्मा लुक्स वेरी प्रिटी, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, थोड़ा काम है लेकिन अच्छा है। उससे दूसरे एक लड़की है मीनाक्षी चौधरी, शी वॉज गुड। प्रभु देवा अच्छे लग रहे हैं, उनके काम छोटा काम है लेकिन कोई स्पॉइलर नहीं दूंगा, लेकिन अच्छा काम किया उन्होंने। उनके अलावा और दो बंदे बताए उनका काम भी अच्छा है। बाकी से बहुत सारे एक्टर्स हैं उन सबका काम अच्छा है। योगी बाबू जब स्क्रीन पर आते हैं लोगों की हंसी निकल जाती है, ही इज डन सो ही सो हिलेरियस। जब वो बोलते हैं थलपति विजय बोलते हैं मैं गांधी बोल रहा हूँ तो तुम कौन हो,
तुम गांधी हो तो मैं सुभाष चंद्र बोस हूँ, देन द यंगेस्ट जो दूसरा उनका बेटा जो बोला कि मैं नेहरू बोल रहा हूँ, अरे अभी गांधी था अभी नेहरू के मेरे मैं उनका ये हूँ, तो तुम नेहरू हो सुभाष चंद्र बोस। दैट सीन इज सो सुपरबली रिटेन नो, पब्लिक थिएटर में हंस पड़ती है। तो योगी बाबू जी बोलते हैं कि वैसे भी ना नेहरू गांधी में बहुत कन्फ्यूजन है, तुम मुझे 50,000 रुपये दे मैं तुमको मोबाइल फोन दे देता हूँ। दैट एंटायर सीन इज माइंड ब्लोइंग एंड योगी बाबू इज गुड मैन, इज टू गुड। और एक दो सीन बताया जो बिरयानी खाते वो सीन भी बहुत अच्छे से लिया है। सो योगी बाबू इज अ फैंटास्टिक जॉब, बट ओवरऑल इज एन आउट एंड आउट सुपरस्टार थलापति विजय शो। उन्होंने बहुत बड़ा काम किया, लेकिन स्क्रीन प्ले स्टोरी भी बहुत वीक है, उसकी वजह से इज जस्ट अबाउट एवरेज टू ओके। बैकग्राउंड स्कोर भी अच्छा है, म्यूजिक भी अच्छा है, उनका डांस जबरदस्त है, थलापति विजय का सुपर डांस किया उन्होंने। और पिक्चर खत्म होते थे और जो कुछ बताया है वो भी शायद ऑडियंस तब तक पब्लिक को ना फिल्म खत्म हो, लेकिन उनके बाद भी और तो थलापति विजय का यंग वर्जन ही बताया, वो अच्छा बताया। सो ओवरऑल ये फिल्म थलापति विजय के जो फैंस हैं उनको तो अच्छी लगेगी, एक बम्पर ओपनिंग लेंगी, शायद इनकी आखिरी फिल्म है जॉइनिंग पॉलिटिक्स आई गेस, तो ये उनकी शायद आखिरी फिल्म है, लेकिन अब कितनी चलेगी वो मुझे आइडिया नहीं, लेकिन साउथ में बहुत बम्पर ओपनिंग लेगी, धमाका मचाएगी साउथ में, हिंदी में क्या करती है देखते, ओवरऑल इंडिया में कितना कलेक्शन करती है देखते। बट आई वुड रिकमेंड गो एंड वॉच दिस फिल्म ओनली फॉर सुपरस्टार थलापति विजय, सेकेंड हाफ ही इज माइंड ब्लोइंग। सब्सक्राइब माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।